सभी शिबाइनू होल्डर्स ये सोच रहे हैं कि यार काश शिबाइनू फिर से अक्टूबर 2021 जैसा एक ऐसा पंप ले कि मज़े ही आ जाए और हमारे सारे के सारे जो वॉलेटाइल पैसे हैं वो फिर से हमारे रिकवर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या शिबाइनू पंप लेगा और उसके बारे में जो कंडीशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले शिबाइनू जो था वो मीम कॉइन था, लेकिन क्या इंटीग्रेशन शिबाइनू कम्युनिटी ने शिबाइनू में किए हैं जिससे शिबाइनू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी बन सकती है फ्यूचर में या फिर आने वाले टाइम में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिबाइनू 2021 में इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया क्रिप्टो करेंसी है और सभी यही चाहते हैं कि शिबाइनू बहुत अच्छा पंप ले जिससे उनके सारे लॉस रिकवर हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने $0.00008 पर इस शिबाइनू को खरीद लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि पंप लेगा, लेकिन उसने डंप ले लिया क्योंकि रॉबिनहुड लिस्टिंग की जो बात थी वो एकदम से झुठला दी गई। रॉबिनहुड वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जो है वो एक ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसी ऐसा सिस्टम है उसमें एक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसके थ्रू आप रियल लाइफ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो आपके कार्ड के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है उससे। तो यार सोच लीजिए कि रॉबिनहुड लिस्टिंग की वजह से कितने ज़्यादा एक इंटीग्रेशन शिबाइनू हो सकता था, लेकिन उस टाइम पर अक्टूबर 2021 में रॉबिनहुड लिस्टिंग की जैसे ही बात झुटलाई गई, यानी कि जैसे ही उन्होंने डिनाई किया कि शिबाइनू उनके उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं होगा, वैसे ही शिबाइनू ने एक जोर का डंप लेना शुरू किया और वो कंटिन्यूसली अभी तक नहीं रुका है। लेकिन शिबाइनू कम्युनिटी को ये पता चल गया था कि शिबाइनू को अगर एकदम से पंप दिलवाना है तो उसमें उन्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। शिबाइनू एक मीम कॉइन है और मीम कॉइन ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसकी रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है और ना ही रियल वर्ल्ड में उसका कोई ऐसा इंटीग्रेशन है जिसकी वजह से शिबाइनू पंप ले। तो यही चीज़ शिबाइनू कम्युनिटी ने सोची और उन्होंने दिसंबर 2021 में शिबाइनू कम्युनिटी ने शिबाइनू में एक इंटीग्रेशन किया कि शिबाइनू के थ्रू आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, रियल लाइफ प्रोडक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप खरीद सकते हो शिबाइनू को पे करके, शिबाइनू के थ्रू पे करके। तो ये एक इंटीग्रेशन था, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन था। शिबाइनू को जनवरी 2022 में फिर से लिस्ट किया गया एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर शिबाइनू के बहुत सारे फैंस थे और इसी वजह से शिबाइनू में थोड़ा सा पंप देखने के लिए हमें दिखा था, लेकिन फिर से शिबाइनू ने डंप ले लिया। लेकिन जब मार्केट रिकवर होने लग गया है तब शिबाइनू कम्युनिटी ने फिर से शिबाइनू में इंटीग्रेशन करने का सोचा है कि शिबाइनू को रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाना चाहिए और इसी वजह से रॉबिनहुड जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने इनकी बात एक्सेप्ट कर ली है और इसी वजह से शिबाइनू का कन्फर्मेशन हो गया है कि शिबाइनू रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा और इसी वजह से अभी एकदम से शिबाइनू ने तर करके एकदम से पंप लेना फिर से शुरू कर दिया था। लग रहा था कि शिबाइनू फिर से 2x वाला गेम खेल सकता है, लेकिन धीरे से फिर से मार्केट डंप हो गया और इसी वजह से शिबाइनू डाउन हो गया। लेकिन शिबाइनू जो है उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन अब धीरे धीरे शिबाइनू कम्युनिटी करने लग गई है। जैसे जैसे मेटावर्स के बारे में लोगों को पता चला, जैसे जैसे 3D वर्ल्ड के बारे में लोगों को पता चला, वेब 3.0 के बारे में जब लोगों को पता चला, तब शिबाइनू कम्युनिटी ने सोचा कि वो भी शिबाइनू का एक मेटावर्स बनाएगी। मेटावर्स यानी कि एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें आप जी सकते हो, वो कोई ऐसा गेम नहीं है, 3D गेम नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो एक ऐसा एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर आप जी सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो फिजिकली नहीं लेकिन वर्चुअली VR के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप उसे फील कर सकते हो। तो शिबाइनू कम्युनिटी ने मेटावर्स बनाने का सोचा जिसका नाम रखा था उन्होंने शिबवर्स नाम का उन्होंने एक मेटावर्स रखने का सोचा था और उन्होंने कम्प्लीटली उसका काम पूरा कर दिया है। और शिबाइनू मेटावर्स में गेम खेलने के लिए या फिर उस मेटावर्स में इंटर करने के लिए उन्हें प्लॉट्स चाहिएंगे। जैसे ही शिबाइनू कम्युनिटी ने ये अनाउंस किया कि शिबाइनू का जो मेटावर्स है वो जल्द ही लॉन्च होगा और उसके प्लॉट्स जल्द ही बिकने लगेंगे, वैसे ही जो शिबाइनू के जो इन्वायरमेंट पर बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी लीश नाम की वो 104% कल इंक्रीज हो गई, क्योंकि सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से कि शिबाइनू का जो मेटावर्स है उसमें प्लॉट्स सेल करना शुरू हो जाएंगे जल्द ही। और सिर्फ इसी न्यूज़ से लीश नाम की क्रिप्टो करेंसी 104% बढ़ सकती है। तो जिस शिबाइनू कम्युनिटी ने इस मेटावर्स को बनाया है उसका कॉइन कितना ज़्यादा पंप ले सकता है, तो ये थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था जो कि शिबाइनू पर बेस्ड थी। इसके थ्रू मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप शिबाइनू खरीदिए ही खरीदिए,
ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे नॉलेज पर बेस्ड है, और अगर आपको लगता है कि शिबा इनू अगर इंक्रीज होता है तो आप उसे खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज बाय करना चाहते हैं तो मैं कॉइन डीसीएक्स और वजीरेक्स, कभी कभी वजीरेक्स यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन कॉइन डीसीएक्स मेरी प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स मोस्ट ट्रस्टेड इंडियन प्लेटफॉर्म है। और कॉइन डीसीएक्स ने अभी रिसेंटली 50 मार्जिन क्रिप्टोस लिस्ट कर दिए हैं उनके क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने ज़्यादा मार्जिन क्रिप्टोस आपके लिए अवेलेबल है। तो इसी वजह से कॉइन डीसीएक्स एक सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है। तो आप चाहें तो कॉइन डीसीएक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको INR में क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है तो आप वजीरेक्स यूज़ कीजिए, और अगर आप USDT में क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं तो आप कॉइन डीसीएक्स यूज़ कीजिए। इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि वजीरेक्स के अंदर आप INR से बहुत अच्छे से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, लेकिन USDT में उसमें जो ग्राफ्स होते हैं वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएट नहीं होते, उसमें टाइम लगता है, यानी कि वो ग्लिच है या फिर वो एप्लीकेशन ही सिर्फ INR के लिए बनाई गई है। और कॉइन डीसीएक्स में INR के लिए ऐसी ही प्रॉब्लम है, USDT में उसमें आप अच्छे से बाय कर सकते हैं, लेकिन INR में उसमें ऐसी प्रॉब्लम है या फिर ग्लिच है या फिर वो एप्लीकेशन ही सिर्फ USDT के लिए बनाई गई है। तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह इन्फॉर्मेशन आपको अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।